हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू विशप अकेडमी ऑनलाइन क्लासेस, क्लास 8 मैथमेटिक्स, चैप्टर 16A, पार्ट 7। 16A जो है आपका क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड है क्वेश्चन, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया जाए। क्वेश्चन नंबर 1 है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम इन विच एंगल ए 110 डिग्री, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी। डियर स्टूडेंट, वन यहाँ पैरेललोग्राम बनाएंगे। ए बी सी डी, यू नो आप जानते हैं अपोजिट एंगल इसके इक्वल होंगे, एंगल ए इक्वल एंगल सी एंड एंगल बी इक्वल एंगल डी। अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो यहाँ आपका एंगल ए, एंगल ए 110 डिग्री दिया हुआ है। अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं तो यहाँ पर 110 हो जाएगा, 110। और आपको फाइंड करना है एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी। एंगल सी तो फाइंड हो गया, 110 होगा, प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम एंगल ए एंड एंगल सी इक्वल होते हैं। तो यहाँ से इसका सॉल्यूशन हम लिखेंगे, गिवेन एंगल ए इक्वल 110 डिग्री, टू फाइंड हमको फाइंड करना है एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी। यहाँ से वी नो दैट लिखेंगे द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल 360 एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल 360 डिग्री। एंगल ए 110 डिग्री प्लस एंगल बी, आपको एंगल बी इसको लेट कर लेंगे एक्स डिग्री, और अपोजिट एंगल बी एंड डी इक्वल हो जाएगा, तो ये भी एक्स डिग्री हो जाएगा। अब इसके बाद से वहाँ पुट कर देंगे एंगल बी प्लस एक्स डिग्री एंगल सी 110 प्लस एंगल डी एक्स डिग्री इक्वल 360 डिग्री। यहाँ पर साइड में लिख लेंगे सिंस एंगल ए इक्वल एंगल सी एंड एंगल बी इक्वल एंगल डी। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। यहाँ से 2x प्लस 220 डिग्री प्लस 360 डिग्री इक्वल 360 x x डिग्री 2x 200, इसको हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, 360 डिग्री माइनस 220, 2x डिग्री 041 डिग्री। देयरफोर x डिग्री इक्वल 140 डिग्री बाय 2। यहाँ से आपका x डिग्री आपका फाइंड हो गया
70। तो यक्ष यहाँ पर ये डिग्री जो आ गई हमारी, ये एंगल बी 70 डिग्री और ये भी एंगल अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो एंगल बी 70 एंड एंगल डी 70 डिग्री हो जाएंगे। तो यहाँ से लिख लेंगे हेंस एंगल बी इक्वल 70 डिग्री, बी इक्वल 70, एंगल सी इक्वल 110 एंड एंगल डी इक्वल 70 डिग्री एंड एंगल ए इक्वल यहाँ पर आ जाएगा 110 डिग्री। डियर स्टूडेंट, इसको हम ऐसे फाइंड करेंगे एंगल बी एंगल सी एंगल डी, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, टू एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, व्हाट इज द मेजर ऑफ इच ऑफ दीज एंगल्स। डियर स्टूडेंट, आपको पैरेललोग्राम बनाने हैं, पैरेललोग्राम बना करके वहाँ पर टू एडजेसेंट एंगल का सम कर देंगे तो आपको एडजेसेंट एंगल सम करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर पैरेललोग्राम बनाया जाए, ए बी सी डी एडजेसेंट एंगल ए एंड एंगल बी एंड एंगल सी एंड एंगल डी एंड एंगल ए। डियर स्टूडेंट, एंगल ए एंड एंगल बी एडजेसेंट एंगल हैं, एंगल बी एंड एंगल सी ये भी एडजेसेंट एंगल हैं, एंगल सी एंड एंगल डी ये भी एडजेसेंट एंगल है, एंगल डी एंड एंगल ए एडजेसेंट एंगल है। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में कह रहा टू एडजेसेंट ऑफ एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, इसमें एडजेसेंट के टू एंगल जो होंगे यहाँ पर इक्वल होंगे, इसको यक्स डिग्री। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन लिखेंगे, वी नो दैट यहां से लिखेंगे सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम यहाँ से एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल 180 डिग्री, एक्स डिग्री प्लस एक्स इक्वल 180 डिग्री, टू एक्स डिग्री 180 डिग्री, therefore x डिग्री इक्वल 180 डिग्री बाई 2 कैंसिल करेंगे तो 90 डिग्री इस एंगल जो होगा 90 डिग्री का होगा।
सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल 180 डिग्री। डियर स्टूडेंट, एंगल ए आपका 90, एंगल बी 90, विकास एक्स एंगल ए एक्स डिग्री एंड एंगल बी एक्स डिग्री इक्वल एंगल है। तो यहाँ पर हम सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम यहाँ से यूज करके एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो ईच एंगल जो होगा हमारा कितने का होगा, 90 डिग्री। ईच एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ईच एंगल आपका 90 डिग्री हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्ड टू एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 4:5, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ इट्स एंगल। डियर स्टूडेंट, यहाँ एडजेसेंट एंगल का रेशियो दिया हुआ है 4:5, तो आपको फाइंड करना है ईच एंगल। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी। एडजेसेंट एंगल गिवेन टू एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम गिवेन रेशियो दिया हुआ है एडजेसेंट एंगल एडजेसेंट एंगल रेशियो इज 4:5। यहाँ से लिखेंगे वी नो दैट सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ पैरेललोग्राम एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल 180 डिग्री। और यहाँ पर एडजेसेंट एंगल होगा या एंगल ए एंगल बी, इसका रेशियो दिया है 4x। यहाँ लेट कर लेंगे, साइड में एंगल ए इक्वल 4x एंड एंगल बी इक्वल 5x। एंगल ए इक्वल 4x, एंगल बी इक्वल 5, यहाँ पुट करेंगे 5x इक्वल 180 डिग्री। देयर 4x डिग्री इक्वल 1/80 upon 9। तो यहाँ से हमारा x इक्वल फाइंड हो गया 20 डिग्री
यक्स हमारा 20 डिग्री फाइंड हो गया, तो एंगल नाउ एंगल ए इक्वल 4 यक्स डिग्री, 4 इंटू यहाँ से 80 डिग्री हो जाएगा, एंड एंगल बी 5 यक्स, एंगल बी इक्वल 5 इंटू 20, 100 डिग्री हो जाएगा। एंगल बी भी फाइंड हो गया एंड एंगल ए भी फाइंड हो गया। एंगल ए 80 डिग्री हो जाएगा, अपोजिट एंगल से 80 डिग्री, और यहाँ एंगल भी 100 हो जाएगा और ये भी 100 डिग्री हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, एंगल यहाँ पर हम फाइंड कर लिए, हेंस एंगल ए इक्वल 80 डिग्री, एंगल बी इक्वल 100 डिग्री, एंगल सी इक्वल 80 डिग्री एंड एंगल डी इक्वल 100 डिग्री। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे, एंगल बी एंड एंगल डी इक्वल होंगे, एंगल ए एंगल सी इक्वल होंगे, आपका यही आंसर हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर आप 5, 6, 7, 8, 10 तक सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।